आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? देखिए, पहले अपने पोलो जो गेम है इसकी बात कर लेते हैं। पोलो गेम है कैसा खेल है? यह एक टीम खेल है, यह टीम में खेला जाता है। और जो प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? प्रत्येक टीम में चार चार लोग होते हैं, चार चार सदस्य, मान लो चार चार खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं स्टिक चाहिए होती है, बॉल चाहिए होती है, और ये खेला किस पे जाता है? घोड़े पर। तो इसके लिए घोड़े भी चाहिए होते हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। अगर अपने और बात करें कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका जो पुराना नाम है वो था फारस। प्राचीन समय में इस खेल को फारस कहते थे। और जो भारतीय लोग हैं इसका जो उद्गम है वो कहाँ से मानते हैं? भारतीय जो लोग हैं वो इसका उद्गम मानते हैं मणिपुर राज्य से। ये जो पोलो गेम है ये मणिपुर राज्य द्वारा ही इजाद किया गया था, ठीक है। और जैसा कि पता है कि इसमें घोड़े पर बैठ के स्टिक द्वारा बॉल को मारा जाता है। प्रत्येक टीम में चार चार सदस्य होते हैं और यह एक प्रतिद्वंदी खेल है। इसमें मतलब एक दूसरे को प्रतिद्वंदन के द्वारा यह खेल खेला जाता है। तो जो अपना क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर ही राज्य है जिसे इसका उद्गम स्थल माना जाता है। थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।